बड़ी खबर इस वक्त आ रही है टारगेट किलिंग को लेकर। लोगों का गुस्सा भड़का है। जम्मू में सड़कों पर उतरे हैं आतंकियों के खिलाफ। जम्मू में प्रदर्शन हुआ है। डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान का झंडा जलाया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीर देखिए आप। डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान का झंडा जलाया है और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टारगेट किलिंग पर, जम्मू कश्मीर के लोगों का गुस्सा कितना भड़क रहा है उसकी तस्वीरें आप देखिए। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। चूंकि जाहिर है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो टारगेट किलिंग की जा रही है आतंकियों के द्वारा वो पाकिस्तान की ही देन है। और ये टारगेट किलिंग की तस्वीरें कब से बढ़ी हैं इस बात की भी जानकारी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता को भी है, बाकी देश के लोगों को भी है। क्योंकि पिछले दिनों जो खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने POK में कुछ आतंकियों से मुलाकात की, आतंकी संगठनों से मुलाकात की और उनको टारगेट दिया गया जम्मू कश्मीर में टारगेटिंग किलिंग का, और जिसके बाद टारगेट किलिंग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। कल भी किस तरीके से दो गैर कश्मीरी लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी आतंकियों ने। हालांकि पिछले 9 दिनों से लगातार एनकाउंटर चल रहा है, इसमें 13 आतंकियों का सफाया सेना ने किया है। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकतें, आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश, ये बता रही है कि लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। घाटी में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की है और मासूम लोगों को अपना निशाना बनाया है, जिसके बाद अब इन टारगेट किलिंग के खिलाफ गुस्सा जो है वो पूरे देश में देखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जम्मू में आज जो डोगरा फ्रंट है वो यहां पर प्रदर्शन कर रही है और यहां पर पाकिस्तान के झंडे को यहां पर आग लगाई गई है और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर नारेबाजी जो है वो यहां पर की जा रही है। दरअसल लगातार घाटी में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आतंकी जो है वो ISI और अपने आतंकी आकाओं की शह पे लगातार टारगेट किलिंग जो है वो कर रही है और खास तौर पर मासूम लोगों को और जो लोग जो हैं जो यहाँ पर प्रवासी आए हुए हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। देर रात भी वहाँ पर एक गोलगप्पे वाले को और कारपेंटर को निशाना बनाया गया है, जिसको लेकर गुस्सा जो है वो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। लगातार प्रदर्शन जो है वो अब यहाँ पर अलग अलग जगह पे देखे जा रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी जो है वो की जा रही है। हमारे साथ शिवसेना डोगरा फ्रंट के नेता हैं। सर मुझे बताइए, ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या लगता है पाकिस्तान नहीं सुधरेगा? पाकिस्तान के साथ वार चाहिए, कतर की जंग चाहिए, उसको सबक सिखाने का हमको प्रयास करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, आर्मी के लोगों ने बड़ा अच्छा काम करा है। 7 दिन के अंदर 11 मिलिटेंट मार दिए हैं, एक अच्छा कार्य है। लेकिन वो जो सेलेक्टिव किलिंग कर रहे हैं, एक कारपेंटर को मार दिया, गोलगप्पे वालों को मार दिया, शिक्षकों को मार दिया, वो सेलेक्टिव किलिंग करके ये दर्शाने का प्रयास करना चाहते हैं कम्युनल टेंशन पैदा हो। कायराना हरकत आपको लगता है? अरे इससे बड़ी कायराना हरकत क्या होगी? लेकिन दुख मुझे इस विषय पर है कि श्रीनगर के लोग खड़े होकर के उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? क्यों ये ऐसी हवा पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल जाए, फिर उसका कोई समाधान करने का विचार ना कर पाए? अगर ऐसी हवा फैल गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक्शन होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ बड़ा एक्शन होना चाहिए। आर पार कतर की जंग और नस्ते नबूद पाकिस्तान को करो, तब देखते हैं। ये है शिवसेना डोगरा फ्रंट जो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। लगातार गुस्सा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ निकल रहा है। पाकिस्तान लगातार अलग अलग तरह की साजिशें रच रहा है। इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान की तरफ जो आतंकवादी हैं उन्होंने करीब 200 ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी लिस्ट बनाई है और उनको लगातार टारगेट करने के लिए कहा गया है और OGW वर्कर्स जो हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जिस तरीके से ये टारगेट किलिंग हुई है, ऑपरेशन भी बढ़े हैं और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।